पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1945 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 74,742 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस समीर साहब। हारिस, बताइएगा, हमने अगर देखा कि कुछ दिन पहले की बात है, दो चार दिन पहले की बात है कि इसमें मंदी देखी गई थी और अब एकदम इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजह है? आपने बिल्कुल सही कहा, तकरीबन जो मार्केट है तकरीबन 8 से 9 रोज के दौरान तकरीबन 3,500 पॉइंट गिरी थी। उसकी अहम वजह ये थी कि मार्केट में ये रूमर थी कि शायद कैपिटल गेन टैक्स, जो शेयर बेचते हैं और उससे मुनाफा होता है, उसके ऊपर टैक्स की शरह में इजाफा होगा। साथ ही जो कंपनी डिविडेंड देती है उसकी भी शरह में टैक्स रेट का इजाफा होगा। लेकिन कल जो भारत अनाउंसमेंट हुआ है उसमें दोनों चीजें अनचेंज है, तो उससे जो है काफी एक पॉजिटिव आंसर गया है और उससे लगता है कि मार्केट में और तेजी आएगी। और साथ ही इसके साथ साथ उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया कि पीआईए का प्राइवेटाइजेशन अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मजबूत खबरें हैं। सबसे अहम चीज ये कि कोई टैक्स नहीं लगा स्टॉक मार्केट की जितनी भी डिविडेंड पे भी और प्लस जो कैपिटल गेन टैक्स। सही, बहुत शुक्रिया हारिस जमीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़िम, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत में मुंतकली की हुकूमती दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमती दरख्वास्तों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। जजेस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है, मुल्क को मजाक बना दिया गया है। हाई कोर्ट में ये भी कहा गया कि जो जज पसंद ना आए उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दी हैं और नया ट्रेंड शुरू हो गया है, ये कहा गया चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा चीफ जस्टिस की जानिब से? तो रावलपिंडी इंफदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज इजाज आसिफ से बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के 9 मई के केसेज को ट्रांसफर करवाने के लिए हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर समाप्त हुई, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने हुकूमत पंजाब की दरख्वास्तें 2-2 लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दी। मजमूई तौर पर हुकूमत पंजाब ने केसेज ट्रांसफर करवाने के लिए 11 दरख्वास्तें की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने मजमूई तौर पर 22 लाख रुपए जुर्माने के साथ ये दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि जो जज हुकूमत को पसंद ना आए उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है और यही हाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट का है और लाहौर हाईकोर्ट का है। हुकूमत को कोई जज पसंद नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने यह भी कहा कि जज पर दबाव डालने के लिए ये नए तरीके आ गए हैं और केसेस को ट्रांसफर करवाने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस जज के खिलाफ आपने रेफरेंस दायर किया वो रेफरेंस भी खारिज कर दिया गया है। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि हमारे एटीसी जज रावलपिंडी इजाज आसिफ पर तहफ्फुज़ात है, जिस तरह से वो अदालत चला रहे हैं ऐसे इंसाफ का कत्ल हो रहा है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि आप उस अदालत में पेश हो, जज आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे जुडिशल अफसरान को भी हरासा किया जा रहा है जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को मजाक बना दिया गया है, जजिस के खिलाफ प्रोग्राम करवाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनवाए जाते हैं, ये नया तरीका आ चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो कि जज पर दबाव डालने के मुताबिक होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यही वो जजीब है जिन्होंने इंसाफ देना है, लेकिन हुकूमत को कोई जज पसंद नहीं आ रहा। पुराने सम्मान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि एटीसी जज रावलपिंडी इजाज आसिफ तहरीके इंसाफ से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनको स्पीडी तौर पर कर रहे हैं और इस हवाले से दहशत गर्दी का खतरा भी था जिस पर ये सारा कुछ हुआ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या जेल में भी दहशत गर्दी का खतरा है, क्या फिर जजेस आसमान पर बैठकर केसेस की समाप्त करें। मोहम्मद अशफाक, हमें इस हवाले से भी बताइएगा कि एटीसी सरगोधा वाकई पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के खुद नोटिस पर समाप्त की है, इस समाप्त का हवाले भी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजस्ता रोज एटीसी जज सरगोधा की जानी से चीफ जस्टिस को खत लिखा गया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी अदालत के रास्ते बंद कर दिए गए, दबाव डाला गया, केसेस मनपसंद फैसला लेने के लिए उनको फोन किए गए हताश इदारों की जानी से,
जिस पर चीफ जस्टिस ने हाउस में नोटिस लिया तो आज आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं आईजी साहब क्या कहते हैं, खुफिया अदारे के ऑफिसर ने क्यों फोन किए मौजूद जज को। जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि सरगोधा में दहशत गर्दी का खतरा था और इस हवाले से तमाम रास्ते इसलिए बंद किए गए थे कि सारा एक मरतबा जुडिशल कॉम्प्लेक्स को क्लियर करना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी साहब मुझे वो कानून बता दें जिस पर आप सारे रास्ते बंद करके लोगों को तहफ़ फराहम करेंगे। तो आईजी पंजाब ने मिसाल दी कि लाहौर हाईकोर्ट में भी जब भुकला यहाँ पर आ रहे थे तो आपके हुक्म पर हमने लाहौर हाईकोर्ट में तमाम दरवाजे बंद करके सबको बाहर निकाल दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा और आईजी पंजाब ने यह भी कहा कि आपने उस वक्त मुझे शाबाश भी दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको शाबाश देना मेरी गलती थी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आपको कानून इसकी इजाजत देता है कि जहां पर दहशत गर्दी का खतरा हो तो हर वहां पर हर चीज को बंद कर दें। क्या दूसरों आम शहरियों के कोई आईनी हकूक नहीं है। जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगियों को बचाना ज्यादा अजीब है। जहां तक खुफिया इदारे के ऑफिसर की जानिब से फोन करने की बात है तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को हमें डेटा देने से मना कर रखा है, जिसकी वजह से ना तो जियो फेंसिंग हो पा रही है ना ही CDR का रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती उस वक्त तक ये तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकती। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी साहब आपको भी पता है कि आप क्या कह रहे हैं और किनको खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि आप आईजी समेत दीगर फ्री कैंप के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई पर फैसला महफूज कर रहे हैं और कुछ देर बाद इस हवाले से अदालत अपना ऑर्डर जारी करेगी। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बजट 2024-25 की। वज़ीर ख़ज़ाना ने 18,877 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया है। विफाकी बजट खसारे का तखमीना 7,283 अरब रुपए लगाया गया, जबकि विफाकी तरक्याती बजट के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 9,775 अरब रुपए कर्ज की अदायगी और दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए, जबकि टैक्स आमदन का तखमीना 12,970 अरब रुपए लगाया गया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने माली साल 2025 के लिए वफाकी बजट पेश कर दिया। बजट में अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट के लिए 1400 अरब रुपए रखे जाएंगे। जारी अखराजात की मद में 17,203 अरब रुपए रखे गए हैं। कर्जों की अदायगी की मद में 9,775 अरब रुपए, दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए, पेंशन के लिए 1,014 अरब रुपए और सब्सिडीज के लिए 1,336 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में आमदनी का तखमीना 12,970 अरब रुपए लगाया गया है। इनकम टैक्स की मद में 5,454 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी की मद में 1,591 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 4,919 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 948 अरब रुपए आमदनी का तखमीना लगाया गया है। बजट खसारे का तखमीना 7,283 अरब रुपए लगाया गया है। हुकूमत ने बजट में महंगाई का हदफ 12%, GDP का हदफ 3.6% और मालियाती खसारे का हदफ GDP के तनासुब से 6.9% रखा है। और नाज़रीन, ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ है। तनख्वाहों में 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक 20% तनख्वाहें बढ़ेंगी, जबकि पेंशन में भी 15% इजाफा किया गया है। और आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 75 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 20% इजाफा, पेंशन भी 15% बढ़ा दी गई, कम से कम उजरत 37,000 मुकर्रर, टैक्स स्लैब में भी रद्दो बदल। फाइनेंस बिल के मुताबिक 50,000 रुपए महाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 6 लाख से 12 लाख तक की आमदन पर टैक्स 5% कर दिया गया। सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर फिक्स टैक्स 30,000 और इजाफी 10 लाख पर टैक्स 15% कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख आमदन पर 1,80,000 रुपए फिक्स टैक्स और बाकी रकम पर 25% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 32 से 41 लाख आमदन पर 4,30,000 फिक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 30% टैक्स होगा। सालाना 41 लाख से ज्यादा आमदन पर 7 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 35% इनकम टैक्स अदा करना होगा। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी, जिसमें हुकूमत का हिस्सा हर माह अदा होगा। इससे मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन इनकी मुलाजमत के आगाज से ही मुकम्मल फंडेड होगी।
हुकूमत ने अगले माली साल में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर आवाम से ज्यादा टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी है, जिसके तहत विफाकी हुकूमत अगले माली साल में डीजल और पेट्रोल पर 80 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी वसूल करेगी। फाइनेंस बिल में गाड़ियों पर इंजन के इस्तेदाद की बजाय कीमत पर टैक्स नाफिज करने की तजवीज़ भी दी गई है। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़, गाड़ियों पर इंजन की इस्तेदाद की बजाय कीमत पर टैक्स नाफिज करने का फैसला। आइंदा माली साल में हाई ऑक्टेन और लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। E10 गैसोलीन पर भी लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में 850 सीसी तक गाड़ी की कीमत पर 0.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। 851 से 1000 सीसी गाड़ी की कीमत पर 1% और 1001 से 1300 सीसी गाड़ी की कीमत पर 1.5% टैक्स आयद करने की तजवीज दी गई है। 1301 से 1600 सीसी गाड़ी की कीमत पर 2%, 1601 से 1800 सीसी गाड़ी की कीमत पर 3%, 1801 से 2000 सीसी गाड़ी की कीमत पर 5% टैक्स आयद करने की तजवीज है। 2001 से 2500 सीसी गाड़ी की कीमत पर 7%, 2501 से 3000 सीसी गाड़ी की कीमत पर 9% और 3000 सीसी से बड़ी गाड़ी की कीमत पर 12% टैक्स आयद करने की तजवीज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत खत्म कर दी गई है। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन की इस्तेदाद के बजाय गाड़ी की कीमत पर मुंतकिल करने की तजवीज़ है, जबकि मोबाइल फोन्स पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है और मार्केट में ज्वाली सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सजाओं के इतलाक होगा। हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर लेवी 20 रुपये बढ़ाने, सोलर एनर्जी के फरोग के लिए आलात की दरामद पर रियायत देने का फैसला किया है। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में 2013 में रियायत दी गई थी। इस वक्त दोनों किस्म की गाड़ियों की कीमतों का दरमियान फ़र्क कम हो चुका है और मुकामी तौर पर हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसलिए मुकामी सनत को फ़रोग देने के लिए ये रियायत अब वापस ली जा रही है। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है। तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के कैपिटल गेंस पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग की मुद्दत से कता नज़र 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। तजवीज़ है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के Tier 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। टैक्स स्टैम्प्स के बगैर सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सजाओं के इतलाक की तजवीज़ है। मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट लागू किया जाए। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा राई, बजट कापियाँ फाड़ दी, शदीद नारेबाजी भी की गई। इस्लामाबाद से खसूस रिपोर्ट देखिए। बजट 2024 ओपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट में शदीद एहतजाज, बजट कापियां फाड़ दी, शोर शराबा, नारेबाजी, बाजे बजाए गए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में शुरू होने से पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन ने असम्बली के ऐवान में दाखिल होते ही नारेबाजी शुरू कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी बजट तकरीर शुरू की तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन ने बजट की कापियाँ फाड़ दी। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ का घेराव करने की कोशिश पर मुस्लिम लीग नून के अराकीन उनके सामने खड़े हो गए, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम के अराकीन खामोशी से तकरीर सुनते रहे। बाद अज़ा सेनेट में मिनी बिल पेश करने के दौरान PTI सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस के सामने इत्तेजाज किया और मुआशी कत्ल नामंजूर के नारे लगाए। ताजरों और रियल स्टेट सेक्टर के नुमाइंदों ने बजट मुस्तरद कर दिया है, कहते हैं कि टैक्सेस की भरमार से महंगाई का तूफान आएगा। बजट में हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने की कोई बात नहीं की, सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया है। इस्लामाबाद के ताजरों की जानिब से नए टैक्सेस की मजम्मत, बजट मुस्तरद करने का ऐलान एहतजाज का इंदिया दे दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बजट में कोई मुस्बत बात नहीं, इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं मिला। इस वक्त जो जरूरत थी गुरबत को कम करने की, जो जरूरत है इंडस्ट्री को चलाने की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की,
जो ज़रूरत है यहाँ पे एजुकेशन की, उसके ऊपर भी कोई बजट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि हम समझें कि हमारे जो है वो हम किसी तरह दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं इसमें किया गया, आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं रखा गया, आईटी पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं रखा गया। जिस सेक्टर में हमारे लिए ग्रोथ होती है वो नहीं है, ये मेरे नज़दीक अशराफिया का बजट है। अंजुमन ताजरान और रियल स्टेट सेक्टर के नुमाइंदों का कहना था कि ताजरों की मुशावरत के बगैर तबाहकुन बजट पेश किया गया। भारी टैक्सेस से रियल स्टेट के शोबा तबाही से दो चार होगा। ईद के दिन आप मार्केटों में जाकर देख लें, जब वो खरीदारी की सकत नहीं है, वो चीज़ें सस्ती हुई हैं इस वजह से कि कोई ले हमसे, हुकूमत समझती है हमने बड़ा काम कर दिया और ये महंगाई ख़त्म हो रही है, और महंगाई नहीं ख़त्म हो रही है, लोग ख़त्म हो रहे हैं। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इससे पहले भी पिछले सालों से, दो से तीन साल से पाकिस्तान में रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री तबाही का शिकार है। इन्फ्लेशन की वजह से 90% प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं। ताजरों के नुमाइंदों का कहना है कि हुकूमत ताजर और सरमायाकारों का इत्माद बहाल करने के इकदाम करे, वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। बानी पीटीआई शेख रशीद, शमीमुद कुरैशी और दीगर दफा 144 की खिलाफ वर्जी तोड़फोड़ केस से बरी हो गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया है। सदाकत दवासी, अली नवाज अवान भी बरी होने वालों में शामिल है, जबकि पीटीआई क्यादत पर 2022 में थाना I-9 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, केसेस से बरी हो रहे हैं अब? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त से बरी पर महफूज फैसला सुनाया है। ये 9 मई के केस था, थाना I-9 में जो है वो हुआ था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने बानी पीटीआई शेख रशीद, शामिल कुरैशी को मुकदमा से बरी कर दिया। इसके साथ सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान समेत दीगर मुलजमान भी बरी होने वालों में शामिल हैं। पीटीआई क्यादत पर दफा 144 के खिलाफ वर्जी तोड़ फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी पीटीआई दीगर की जानिब से मनसूफ और दीगर उनकी कानूनी टीम ने जो केस अदालत में पेशी के साथ साथ पीटीआई रहनुमा शहरयार खान आफरीदी पर 9 मई के वाकयात पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसको उसमें भी जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी की सजा मौतरी पर 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। इद्दत में ने कहा केस की अपीलों पर 1 माह में फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कहा गया है, एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका दोनों दरख्वास्तों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर फैसला करेंगे। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा, अदालत की जानिब से मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? हाँ, बाद हाईकोर्ट ने आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत में कहा केस से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने मौका फरमाया कि मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा कि जज इस तरह अचानक केस ट्रांसफर किया हो। सेशन जज ने केस सुना था, अब एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर दिया है। एडिशनल सेशन जज को क्यों केस ट्रांसफर किया गया? और पहली हमारी सदा है कि सेशन जज शाहरुख अजीमत को महफूज फैसला सुनाने की हदायत की जाए, हाई कोर्ट या फिर खुद अपील सुनकर फैसला करे। और जबकि तीसरी सूरत में ये है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफर कर दी जाए। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि अदालत सेशन कोर्ट के लिए अपील का फैसला करने के लिए वक्त मुकर्रर करे। सेशन जज ईस्ट से सुन रहे थे, अब सेशन जज वेस्ट को केस ट्रांसफर कर दिया जाए। और 2 दिन में ट्रायल हुआ, अब अपीलें भी इसी तरह सुनी जा रही हैं। इस मौके पर जो शिकायत कुनिंदा खावर मानिका है, उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी का मौका था कि खावर मानिका ने हाजिर। सही, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी 9 मई वाकया पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमे से बरी हो गए हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहरयार आफरीदी और दीगर को बरी कर दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया है। पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी और दीगर पर 9 मई को जलाओ घेराओ और तोड़ फोड़ के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, बरी तो कर दिया गया है, किन बुनियादों पर बरी किया गया है? आज बिल्कुल देखिए, सीटी रहनुमा शहरयार आफरीदी और वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ घेराओ और तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था थाना I-9 में। इस मुकदमे में शहरयार आफरीदी और दीगर को बरी कर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया और इस फैसले में जो है अदम सबूत की बुनियाद पर इन पीटीए रहनुमाओं को बरी किया गया है। इसके साथ साथ में बहुत बड़े वर्कर्स की तादाद थी जो कि इस मुकदमे में नामजद किया गया था, उन्हें जो है वो बरी कर दिया है। यह अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने जो है महफूज फैसला सुनाया, जिसमें
दीगर वर्कर्स को बरी किया गया है। सही, अदम सबूतों के बुनियाद पर इनको बरी किया गया है। अवैध सबासी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत का भी विफाक की तर्ज पर बजट में इकदामात का फैसला किया गया है। बजट का कुल हजम 5,370 अरब रुपये मुतवक्के है और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। इसी पर बात करेंगे, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताइएगा, ये बजट जो पंजाब का आज पेश किया जा रहा है, कब तक पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो शेड्यूल आज दिया गया है पंजाब असम्बली का, उसमें सपहर के बाद इजलास तलब किया गया है और तवक्को ये की जा रही है कि 4 से 5 बजे के दरमियान बजट इजलास शुरू होगा, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त तक जो बजट के दादोशुमार सामने आए हैं, उसमें गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में तब्दीली देखी जा रही है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानब से जो तजवीज़ की जा रही थी वो 20% तक तनख्वाहों में इजाफे की, सरकारी मुलाजमीन में इजाफे की तजवीज़ दी जा रही थी, क्योंकि पंजाब का सूबा जो है उसमें सबसे ज़्यादा मुलाजमीन है, इसलिए सबसे ज़्यादा माली बोझ पंजाब पर पड़ता है जिस वक्त तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। तमाम वफाक की जानब से जो 25% तक इजाफा किया गया है, तो पंजाब ने भी इसी तर्ज पर इजाफा करने का फैसला किया है और काबीना इजलास जो कि अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, उसमें इसी तजवीज़ पर हतमी शक्ल दी जाएगी। इसी तरह पेंशन में भी 15% तक इजाफा किया जा रहा है, और जिसकी वजह से पेंशन और तनख्वाहों की मद में आइंदा माली साल में तकरीबन पंजाब के 1,000 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च होने की तवक्को की जा रही है। दूसरी तरफ जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन 700 अरब रुपये का रखा जा रहा है पंजाब का, उसमें ज़्यादातर स्कीमें जो हैं वो जारी स्कीमें ही होंगी, नई स्कीमें बहुत कम शुरू की जा रही हैं। तकरीबन 1617 स्कीमें जारी स्कीमें हैं जिन्हें मुकम्मल किया जाएगा आइंदा माली साल में, जबकि 246 के करीब स्कीमें ऐसी हैं जो कि नई शुरू की जाएंगी। इसके अलावा जो 5 मरले के घरों पर एक टैक्स की तजवीज़ चल रही थी हमारे ज़राए के मुताबिक, उसे इस्तिस्ना बरकरार रखा जाएगा और 5 मरले के घरों तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ताहम दूसरी तरफ जो महंगी और बड़ी गाड़ियां हैं उनकी टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस में रद्दबदल करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि जायदाद के लेन देन की स्टैंप ड्यूटी में भी इजाफे की तजवीज़ दी जा रही है। जो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर पर रकम खर्च की जा रही है वो रोड सेक्टर है, जिस पर तकरीबन 1,22,00,000 रुपये खर्च करने का तवक्को की जा रही है, जबकि अमन अमान और पुलिस पर भी तकरीबन 1,50,000 रुपया खर्च होगा और हेल्थ सेक्टर के लिए तकरीबन 1,00,000 से ज़्यादा होगा। लेकिन ये ज़्यादातर जारी खराजात होंगे इसमें से, और तरक्याती बजट की मद में इन महकमों के पास भी कोई इतनी ज़्यादा रकम नहीं रखी जाएगी, जबकि हुकूमत की जानब से जो दीगर इकदाम किए जा रहे हैं उसमें रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपया और इसी तरह सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर बिजनेस सरगर्मियों के लिए जो बनाया जा रहा है CBD, उसके लिए भी तकरीबन 8 अरब रुपया रखने की तजवीज़ दी जा रही है। तो पंजाब की जानब से जो भी अब हतमी तजावीज़ दी गई हैं, वो काबीना का इजलास जो कि अब थोड़ी देर बाद शुरू होना है उसमें इनको हतमी शक्ल दी जाएगी। तजावीज़ दी जा रही हैं। जाहिद आबिद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।